हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज अभिनव सिंह योर रीजनिंग मेंटर वेलकमिंग यू ऑल ऑन testbook.com आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में ये एक लाइव क्लास है जो रोज रात में होती है आठ बजे और uh, CHSL का पेपर बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका MTS का भी हो चुका अब हम अगली वैकेंसी जो जिसका पेपर आने वाला है अगले महीने जिसका पेपर है एस एस सी फेज टेन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर फेज टेन का प्रैक्टिस सेट कराइए इसी तरीके से तो हमने कहा ठीक है भाई हमारा काम है पढ़ाना आपका काम है पढ़ना तो चलिए हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं एस एस सी फेस टेन का मॉक टेस्ट लेकर के रीजनिंग के करीब पच्चीस से तीस क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा अगले एक घंटे तक सारे काम को छोड़ दीजिए आराम से, से सेशन को देखिए मेरे साथ लाइव और हम बातचीत करते रहेंगे बहुत मजेदार तरीके से पूरा सेशन को कम्प्लीट करेंगे अपने साथ अपने सभी दोस्तों को भी इन्वाइट कर लीजिए इस सेशन में कि वो भी आ जाएं और जब मैं क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ले करके आऊं तो आपस में आप लोग कंपटीशन कर सकते हैं कि कौन पहले आंसर कर रहा है आई होप आप मुझे प्रॉपरली सुन और देख पा रहे होंगे देखो बहुत अच्छी बात है देखो यार देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेरी तबीयत के लिए कितने फिक्रमंद होते हैं थैंक यू सो मच एंड हाँ मैं अब बेहतर हूँ पहले से और धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ थोड़ा सा पेट में इशू हुआ है कुछ है ना पता नहीं क्या है कुछ ना कुछ लगा रहता है आजकल मेरे साथ जीवन में देखते हैं सही हो जाएगा ऊपर वाले की कृपा से ऊपर वाले से याद आया हर हर महादेव <laughs> तो सभी लोगों को हर हर महादेव जय हिंद चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत में मैं आपको बता दूं मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो ठीक है अभिनव सर अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पर पीडीएफ क्विजे वीकली ग्रुप डिस्कशन इंट्रैक्शन और पोल्स ये सब का सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा डेली बेसिस पर सो so प्लीज आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए और अपने साथ अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ो यार मतलब आपको एक कम्युनिटी हमें लेकर के चलना चलनाएंगी भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ हमारी इस क्लास में जुड़े चाहते हो कि नहीं चाहते हो उसके लिए अपडेट मिलता रहना चाहिए क्लास कब होता है कहाँ पर होता है और बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस रीजनिंग की सारी प्रैक्टिस एग्जाम्स के अपडेट रिजल्ट के अपडेट कोर्सेज के अपडेट सब कुछ यहां पर मिलेगा अभिनअसर अंडर स्कोर टेस्ट बुक ठीक है चलिए तो फिर शुरू करें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन और बहुत ही मामूली सा एकदम छुट्टा टाइप वाला क्वेश्चन जो नहीं होता है ये आप लोगों के लिए है सीरीज को कंप्लीट करना है ब्लैंक स्पेसेस की जगह पर सर कौन कौन से लेटर आने चाहिए वो हमें देखना है कौन कौन से लेटर हम प्लेस करना चाहेंगे अर्चिता अवस्थी गुड इवनिंग स्मार्ट भोजपुरी स्टेटस अच्छा जी नमस्ते नमस्ते भैया आदित्य जय हिंद अंजलि चौधरी गुड इवनिंग यूनिवर्स आदि गुड इवनिंग सर जी ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है सबसे पहले तो एक काम करिए कि जितने एलिमेंट है सबको काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सबसे पहली बात नहीं चल रहे हो हमारी पेन की रिफिल खत्म हो गई लीजिए हमने वापस से भर ली चौदह एलिमेंट है सर चौदह एलिमेंट को कैसे तोड़ा जा सकता है सर सेवन टू जा, फोर्टीन में तोड़ा जा सकता है सात सात के दो पेयर बना लीजिए या दो दो के सात पेयर बना लीजिए तो एक दो तीन चार पांच सात स्पेस एक दो तीन चार पांच छ सात यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो शुरुआत ए से हो रही है तो यहां पर भी आप ए कर सकते हो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी लेकिन एक और हमें दिखाई दे रहा है ये तो बहुत सिंपल हो गया सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ए बी यहाँ पर हमको ए बी ए बी बार बार दिखाई दे रहे हैं सर ये हमने फिल कर दिया ये तो बहुत सिंपल हो गया अभी ऑप्शन चेक करते हैं डबल बी से शुरू होने वाला एक मात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर डबल बी से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है सर ऑप्शन नंबर फोर और यस यही ये हमारा करेक्ट आंसर है यहां पर ए बी यही बार बार हम देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है यही बार बार रिपीट हो रहा है अंकित कुमार खुश रहो बेटा कैसे हो मेटल का आपको कोड दिया हुआ है और ये जो लिखा हुआ है इसका कोड क्या होगा मेटल का कोड सर बनाया कैसे गया है कैसे बनाया गया मेटल का कोड मेटल मेटल का कोड है आर आई डब्ल्यू सी एम आर आई डब्ल्यू सी एम मेटल का कोड सर ये कैसे बनाया गया क्या हर लेटर का कोड उसी के पोजीशन पर है अगर है ऐसा तो वाई ओ डी आर पी का कोड सर क्या होगा तो सर बताइए नमस्ते नमस्ते भाई जो लोग अभी अभी आए सबको नमस्ते और एक काम करो यार क्लास को थोड़ा सा शेयर और लाइक पे ध्यान दोगे कि नहीं दोगे थ्री होगा सर इधर से यहां जा जाकर के इधर से अगर आप जाते हो राइट से लेफ्ट की तरफ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बारह से एक तेरह हो चुका है एक से तीन के लिए दो प्लस कर दिया यहां पर तीन प्लस कर दिया यहां पर चार प्लस कर दिया और यहां पर पांच प्लस कर दिया ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव उसी तरह यहां पर भी करिए तो सोलह और एक ये सत्रह यानी कि क्यों क्यों होना चाहिए क्यों तो सर सब में दिया हुआ है यहां पर दो प्लस करिए अट्ठारह उन्नीस बीस यहां पर टी आना चाहिए टी तो सर सब में दिया यहां हटा दो यहां हटा दो सर यहां पर सर तीन प्लस कर दो तो चार तीन सात यानी कि जी जी होना चाहिए सर यहां पर इसको भी हटा दो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ डी एस जी टी क्यू ये हमारा आंसर है डी एस जी टी क्यू ठीक क्या बात है आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही डिकोड किया अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ओनली अ फ्यू ध्यान से ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट में है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए ओनली अ फ्यू शुरुआत में भी है बताइए कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है सिलॉक्स का क्वेश्चन है कौन सा कंक्लूजन यहां पर फॉलो करेगा बताओ सर मेरा एग्जाम पंद्रह को है बहुत बहुत बधाई आपका एग्जाम पंद्रह को है क्या करें प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट लगाओ रोज रोज लगाओ सारे काम छोड़ दो मान लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तैयारी करना ओनली अ फ्यू लाइन्स आर फ्लैग केवल कुछ ही लाइन जो हैं वो फ्लैग्स हैं तो केवल कुछ ही लाइन्स जो हैं वो फ्लैग्स हैं केवल कुछ ही लाइन फ्लैग हैं बाकी की लाइन फ्लैग नहीं होगी कोई भी लाइन फॉर्म नहीं है कोई भी लाइन फोम नहीं है कोई भी लाइन फोम नहीं है यह फ्लैग था यह फोम है ठीक तो केवल कुछ ही लाइन फ्लैग है मतलब बाकी की लाइन फ्लैग नहीं है नो लाइन आर फोम कोई भी लाइन फोम नहीं है यह भी बना दिया ओनली अ फ्यू फोम आर फॉर्म केवल कुछ ही फोम फॉर्म्स है ठीक है केवल कुछ ही फॉर्म जो है वो फॉर्म से केवल कुछ ही फॉर्म केवल केवल कुछ ही फॉर्म जो है वो फॉर्म है ये क्या मैं स्क्रीन से ज्यादा बाहर हो गया हूं क्या क्या मैं स्क्रीन से ज्यादा बाहर हो गया हूं दिख रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है ना चलो कंक्लूजन पे आते हैं कुछ फ्लैग क्या फॉर्म है तो सर देखिए फ्लैग यहाँ है फॉर्म कहाँ है फॉर्म 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 यहाँ है तो सर इतनी दूरी है इनके बीच में कंक्लूजन कहां से निकलेगा हटाओ इसको दूसरा सम फ्लैग कैन नेवर बी फोम सम फ्लैग कैन नेवर बी फोम क्यों क्योंकि फ्लैग का कुछ पार्ट एल यानी कि लाइन के अंदर है फ्लैग का कुछ पार्ट लाइन के अंदर है लाइन कभी भी फोम नहीं है तो फ्लैग का कुछ पार्ट कभी भी फोम नहीं है कैन नेवर बी बिल्कुल सही बात है का कुछ पार्ट कभी भी नहीं है ओनली सेकेंड ओनली चक्कर में वन है आंसर फोर 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 लगाए पड़े हो फोर नहीं है बाबूजी, जी वन है ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई हैं अंजलि कुमारी मुंह ना बनाओ ठीक है नेहा शर्मा बहुत हंसी आ रही है अभिषेक कह रहे हैं कि सर मेरा तो चैप्टर ही बहुत वीक है चलो छोड़ो इनको फिर चेक कर लीजिएगा वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा पीछे करके प्रोड्यूस का कोड आपको दिया गया है कॉस्टिक का कोड आपसे पूछा जा रहा है सर प्रोड्यूस का कोड कैसे बनेगा प्रोड्यूस प्रो प्रोड्यूस दिया हुआ है इसका कोड है क्यू ओ आर क्यू आर ई सी यू एफ प्रोड्यूस का कोड आपको दिया हुआ है कॉस्टिक कॉस्टिक का कोड आपसे पूछा जा रहा है बताइए भाई देखो पी का अपोजिट नहीं दिख रहा लेकिन एक चीज दिख रही है सर क्या दिख रहा है पी से क्यों अगर हम बनाते हैं तो सोलह से सत्रह प्लस एक है लेकिन अट्ठारह से अगर मुझे पंद्रह बनाना है तो सर मुझे तीन माइनस करना पड़ेगा लेकिन पंद्रह से अगर मुझे अट्ठारह बनाना है तो तीन प्लस करना पड़ेगा यहां पर डी से ई e अगर मुझे बनाना है तो यहां पर क्या करना वापस से प्लस वन करना है ना लेकिन यहां पर क्या ये काम करेगा नहीं सर यहां पर ये यह तो बहुत बड़ा गैप हो गया इसका मतलब जो आप सोच रहे हो वो पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है तो आप और क्या हो सकता है सर दो दो का पेयर बना लीजिए तीन तीन का पेयर बना लीजिए ऐसा भी बना सकते हो लेकिन दो दो के पेयर से बात बनेगी ओ से ई ज्यादा गैप हो जाएगा तीन तीन का पेयर बना लो लेकिन तीन तीन का पेयर ही नहीं बनेगा लेकिन तीन का इधर से बनेगा तीन का इधर से बनेगा फिर बीच में अकेला रह जाएगा बोलो इस तरीके से किया जा सकता है बताओ कितने लेटर्स का पेयर बनाना चाहेंगे आप दो, दो तीन तीन ठीक है देखो शादाब आलम है बहुत अच्छी बात है शादाब आलम देखो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर पहले सिंगल है फिर दो का पेयर फिर तीन सिंगल है मतलब क्रॉस करना है अल्टरनेट। बहुत बढ़िया तो देखो भाई सोलह से सत्रह फिर ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है डी से ई e, फिर ये दोनों सेम है ई e से एफ फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है तो सर यहां पर प्लस वन फिर दो लेटर सेम फिर प्लस वन फिर दो लेटर सेम फिर प्लस वन इसमें भी अगर हम यहां पर देखते हैं तो सी से डी सबसे पहले तो प्लस वन होना चाहिए प्लस वन डी सब में दिया हुआ है फिर इन दोनों को क्रॉस कर दो यू ए आना चाहिए यह डा दो यह डा दो यू ए आ गया फिर एस में प्लस वन कर दीजिए टी आ जाएगा तो ये भी हटा दीजिए सर आंसर ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है किस में दिया है आंसर ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है वेरी गुड इवनिंग मैं याद दिला दू उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को याद दिला रहे हैं आपको सेशन को लाइक करते चलिए सभी बच्चे लोग ईमानदारी से कंटेंट बहुत बढ़िया है यहां पर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कंटेंट की और ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे हमारे साथ एग्जाम तक बने रहो सारे सेशन देखो सारे पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम से रिवीजन करो सब आपका अच्छा होगा रीजनिंग की गारंटी हम ले सकते हैं बाकी की आपके जो फैकल्टी होंगे वो ले रहे होंगे भाई मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूँ ममता देखो आ गई हमारी ममता ममता कहाँ दे बेटा टी सिस्टर है डी की टी सिस्टर है डी की डी मैरिड है पी से डी मैरिड है टी से फिर उसके बाद पी सन है एम का तो पी सन है किसका एम का यानी ये इसकी पत्नी हो जाएगी टी इज मदर ऑफ जे टी माता है जे की वाई इज फादर ऑफ यू वाई तो कहीं दिख रहा है नहीं यू दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा सर वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर चलिए छोड़िए और बताइए यू इज अ डॉटर ऑफ टी हाँ यू इज अ डॉटर ऑफ टी Why is वाई इज अ फादर ऑफ यू वाईज अदर ऑफ यू वाई हैज only one सन एंड ओनली वन डॉटर यानी कि is the son of D. Q is the son of D. और कुछ बचा नहीं हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम तो इतनी महाभारत क्यों कर दी खाली यहीं से पूछना था हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम तो क्यू जो है वो एम से दो जनरेशन नीचे है ग्रैंड सन होना चाहिए ग्रैंड तो सन हमें ऑप्शन नंबर टू में दिखाई दे रहा है कौन है भाई देखो रिश्तेदार जो होते हैं ना वो किसी को अच्छे नहीं लगते तुम्हारे साथ नहीं है रिश्तेदार किसी को अच्छे नहीं लग सकते भैया रिश्तेदार का काम ही है आपको परेशान करना रिश्तेदार का काम क्या है आपको परेशान करना और आपका काम क्या है परेशान होना नहीं अपनी जिंदगी में इतना अचीव करते चलो सब कुछ कि वही परेशान हो जाए ठीक है जैसे तो तुमको दिक्कत होती रिश्तेदारों से तुम ऐसा कुछ करो ऐसा अचीव करते चलो खुश रहो सबसे सही चीज तो खुश रहो यार इतना खुश रहो कि रिश्तेदार इसको किस बात की इतनी खुशी है है ना चलिए खैर खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा तैयारी करते रहिए अचीव करते चलिए छोटी छोटी खुशियां हैं ठीक है, है? ममता चौधरी को सब अच्छे लगते हैं इनकी अलग समस्या है जीवन में इनकी समस्या सबसे अलग रहती है इनको सब अच्छे लग रहे हैं हाँ भाई देखो पेपर है तुम लोगों का एक महीने बाद मान के चलो अगर है तो तुम लोगों को मॉक टेस्ट लगाने होंगे उसके बाद भी जितने भी लोगों का पेपर आने वाले टाइम में लगे हुए हैं मैं बोल बोल के थक गया हूँ लेकिन मेरा काम है बार बार बताना तो इसलिए मैं बताता हूँ है ना मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं कि सर ये बताया करो बच्चों को हमने कहा ठीक है देखो भाई मॉक टेस्ट लगाओ जो सही भी बात है यार वो जॉक्स अपार्ट वो सारी चीज़ें ठीक है ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट ये मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो एस एस सी का हो रेलवे का हो यार आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है ना कि तुमको बेहतर बनना ही पड़ेगा गौरों से तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा और बेहतर आपको कैसे बनना है आपको आता है इससे काम नहीं चलेगा आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो तुम अगर मान लो कॉपी पेन लेकर के अपनी बुक से प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पे टाइमर नहीं है तुमको पता नहीं चल रहा कितना टाइम लगा रहे हो कितना टाइम नहीं लगा रहे हो। जैसे पेपर देने जाओगे वैसे ही सेम फॉर्मेट पे अगर तुमको तैयारी करने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी ठीक है तो मॉक टेस्ट लगाइए और उसके लिए आपको ईयरली टेक्स बुक पास लेना है डिस्काउंट भी मिल जाता है सर है ना तो ए एस आर पी ए डबल एस और ये अमाउंट कुछ नहीं है यार तुम हफ्ते भर के अंदर इतना अमाउंट आराम से खर्चा कर देते हो गए हफ्ते भर के नहीं मान लो कि महीने भर में महीने भर में तो इतना तो हंड्रेड परसेंट खर्चा कर देते होगे और वो जो तुम्हारे काम का नहीं अब इतना अमाउंट पे करके तुम्हें साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो मतलब जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी करना चाहते हो जिस जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो हर एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाओ आराम से बैठ करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है है ना किसी से ज्यादा पूछने समझने की जरूरत नहीं है अपने दोस्तों से ज्यादा सलामत लिया करिए मैंने अभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ मुझे बच्चों से बात करते समय कि वो खुद तो कुछ करते नहीं है आपको भी करने से मना करते हैं आपको अगर सजेशन चाहिए तो अपने पेरेंट्स से पूछिए अपने पेरेंट्स से सजेशन लीजिए उनको समझा दीजिए अगर मान लो उनको नहीं पता है कि क्या है तो उनको बता दो पहले फिर उनसे सजेशन वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अपने बड़े भाई बड़ी बहन से सजेशन ले सकते हो अपने टीचर से सजेशन ले सकते हो तो वो लोग आपको सही सजेस्ट करेंगे मुझे जहां तक आइडिया है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है एक अमाउंट पे करके सारे एग्जाम्स की टेंशन ख़त्म सबका मॉक टेस्ट आपके पास और हमारा एनालिसिस भी इतना बढ़िया होता है आपको सब बता देगा कितने टाइम में तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो सही किया तो आपने कितना समय लिया जो टॉपर बच्चा है उसने कितना समय लिया और बहुत सारा डिटेल आपको मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात है बाकी आपकी मर्जी अच्छा यहाँ का नहीं लेना कहीं का लो लेकिन टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है ये समझ के चलो डोर मैट का कोड आपको दिया हुआ है बिलीफ का कोड आपसे पूछ रहा है क्या तुम लोग आपस में बातें करने लगते हो डोर मैट का कोड सर दिया हुआ है डोर मैट कई बच्चे इसको दूर मैट भी पढ़ रहे होंगे हूर मैट नहीं है ये डूर मैट ये डूर मैट का कोड है सर पूछा जा रहा है बिलीफ का कोड क्या हो गया कुछ नहीं सर चेक कर रहे थे बस हाँ सी होगा अरे वाह होशियार बच्चे हमारे सर देखिए डी का सबसे करीबी बी दिख रहा है कैसे दिख रहा है सर ये हमें माइनस टू होता हुआ दिख रहा है ये प्लस टू है ये माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू, टू तो सर माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू चल रहा है हम यहाँ भी माइनस टू करेंगे माइनस टू करोगे तो जेड मिलेगा Z मिलने का मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है ना फिर देखो Z के बाद g दोनों में कॉमन है तीसरा लेटर अलग अलग है तो तीसरे लेटर पे आओ यहां पर क्या था माइनस टू प्लस टू यहां पर भी माइनस टू करेंगे तो बारह में से दो जाएगा तो दस यानी कि J आना चाहिए J आना चाहिए यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है j आना चाहिए मतलब ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है ओके okay, चलिए इसको कंप्लीट करिए बताइए यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस की जगह पर कौन कौन से लेटर आएंगे पेपर बहुत आसान आएगा है ना हाँ हमसे बात करो ममता हमें याद है हमने क्या बोला था ठीक है तुम बच्चों को भड़काओ नहीं अंश गुप्ता क्या हाल चाल तो है बेटा आपके कुछ तो आकर के कहते हैं एम बैक सर जी मुझे पता ही नहीं था कि वो वापस आए कहीं गए थे क्या एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सर जी सोलह एलिमेंट है तो क्या करें तो करना यह है कि सर इसको चार चार के चार पार्ट में डिवाइड करो तो एक दो तीन चार स्पेस एक दो तीन चार स्पेस एक दो तीन चार स्पेस एक दो तीन चार ये पी से शुरू हो रहा है ये पी से शुरू हो रहा है ये क्यों से शुरू हो रहा है ये क्यों से शुरू हो रहा है तो हो सकता है पी पी फिर क्यों क्यों बोलने में कैसा लग रहा बोल के देखो पी पी क्यों क्यों ठीक है अच्छा तो सर फिल क्या करें ये बताइए आप फिल क्या करें हम जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या फिल करें फिल आप ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम लेटर आए तो दो लेटर सेम होने चाहिए जैसे ये कैंसिल कर दो ये कैंसिल कर दो सर ठीक फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई दो लेटर सेम हो देखो लास्ट में पी आना चाहिए क्योंकि यहाँ डबल पी है तो यहाँ पर भी डबल पी आना चाहिए अब डबल पी के बेसिस पर इन दोनों में लास्ट में पी किस में दिया हुआ है लास्ट में तो इसी में दिया हुआ है तो यहां पर अगर मैंने मान लीजिए P लिखा P यहां पर भी मैंने लिखा P डबल P Q P डबल P Q P फिर उसके बाद डबल Q डबल P डबल Q डबल P बन गई बात बन गई बात सर बन गई क्या अंश गुप्ता बोल रहे हो तुम हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो क्या टाइप कर रहे हो तुम ये लेटर्स रेखा पर मिरर रखा है सर जब हम यहाँ पर मिरर रखते हैं सर तो इस मिरर पे जब रिफ्लेक्शन पड़ेगा सर तो वो कैसा दिखाई देगा हाय गुरुजी अच्छा मॉडर्न हो तुम बड़े हाय गुरुजी या तो बोलो हाय सर या तो बोलो प्रणाम गुरुजी तुमने ये जो मिक्स किया है ये अच्छा नहीं लगा हमें मजा नहीं आया इसमें ये देखो रॉकी कश्यप आ गए देखो यहां नेहा जो है ज्ञान दे रही थी कि सर पांच को देखो आंसर मिल जाएगा ठीक है तो नेहा ने अगर बोला है तो सही बोला होगा देखो सर वाई का रिफ्लेक्शन वाई ही रहेगा ये यहाँ पर टी कैसे दे दिया ठीक फिर फाइव का रिफ्लेक्शन जो है सर वो उल्टा होना चाहिए ये फाइव सीधा दे रखा है ये सीधा दे रखा है तो ये भी गलत है ये भी गलत है तो बचता है केवल फोर हाँ अंकित चौधरी खुश रही है जल्दी से सेलेक्शन लीजिए माँ बाप का नाम रोशन कीजिए रिया दुबे ये हमारे बच्चे नहीं है प्लीज मॉडर्न बच्चे हैं सर आपके ये हमारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते भाई मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे एक्टर आ, 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 का कोड आपको दिया हुआ है एक्टर का कोड सर देखो कैसे दिया हुआ है एक्टर एक्टर का कोड आपको दिया है Z D एस पी Q और ए बी S यू के F इसका कोड आपसे पूछ रहा है एक्टर का कोड आपको दिया है इसका कोड आपसे पूछ रहा है आंश गुप्ता क्या करें समय नहीं मिल रहा है कोडिंग कैसे की जा रही है सर तो ए का अपोजिट तो है लेकिन सी का नहीं है टी का नहीं है तो यानी कि अपोजिट नहीं है तो ए से Z फिर और कैसे आ सकता है तो सर माइनस वन से आ सकता है ठीक है सी से डी सर ये प्लस वन से आ जाएगा से सर माइनस वन से आ जाएगा ओ से पी ये प्लस वन से आ जाएगा आर से क्यों सर माइनस वन से आ जाएगा खत्म माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो सर यहां पर माइनस करो ना आएगा लेकिन, लेकिन 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 यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस कि शब्द को किस शब्द को इसके रूप में लिखा जाएगा मतलब ये किसका कोड है सर ये किसका कोड है तो सर ये उसका कोड होगा जिसमें माइनस वन करने पे हमको ए मिल जाए यानी कि बी से शुरू होना चाहिए ठीक यहां पर प्लस वन करने पर बी आया हो तो यहां पर ए चाहिए हमको आंसर बैटल है बैटल का कोड है ये हाँ ये तो खुद ही कोड है सर क्या बात ये तो खुद ही कोड है बैटल बैटल आंसर है इसका जंप का कोड आपको दिया है अब ये क्वेश्चन अगर मुझे बताना पड़े तुमको तो फिर अच्छा बता रहा हेलो नहीं हाय चश्मा वाला सर वाह अबे हम चश्मे बेचते हैं क्या मतलब चश्मा लगा लिया तो हम चश्मा वाला वो गए चलो ठीक है तुम्हारी उस बात को हम कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लेंगे जंप का कोड आपको दिया है माउथ का दिया है जीब्रा का कोड आपसे पूछ रहा है अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो यह क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कुछ है कुछ भी नहीं है भूख तो हमें भी लग रही है आदित्य राज लेकिन अभी पढ़ लो बी होगा सर देखिए जंप में सबसे लास्ट में पी है पी होता है सोलह तो सोलह लिखा है फिर एम तेरह होता है यू इक्कीस होता है जे दस होता है तो सर इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है उल्टे ऑर्डर में यहाँ पर भी सर आठ बीस इक्कीस पंद्रह तेरह है ना यहाँ पर दिया हुआ है जीब्रा में सर एक अट्ठारह दो पाँच छब्बीस एक अट्ठारह दो पाँच छब्बीस सर ये हटा दीजिए ये ये भी हटा दो सर यही आंसर है एक अट्ठारह दो पांच छब्बीस ठीक है आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू में दिया हुआ है ये यहां पर है कि एक दो तीन चार पांच मेंबर हैं एक फैमिली के छह मेंबर हैं और सबका रिलेशन दिया हुआ है यहां पर हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली इस परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं सर इस परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं <laughs> रिंकी पाल तुम एक्साइटेड ज्यादा हो जाती हो बच्चे ये वाला क्वेश्चन ऊपर से निकल जाता है तो चलो उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा नीचे करते हैं तुम्हारे दिमाग से वो करके जाए एक मेरे को मीम याद आया एक मुझे मीम याद आया वो मैं बताऊंगा अभी आपको पहले ये क्वेश्चन करते हैं एफ इज अ सिस्टर ऑफ एल एफ इज अ सिस्टर ऑफ एल एल हु फादर ऑफ एच एल हु फादर ऑफ एच एच इज अ फादर ऑफ के एच इज अदर ऑफ के के वाइफ ऑफ जी के हु इज अ वाइफ ऑफ जी अभी और है जे इज अ सन ऑफ जी अच्छा अभी और है अब तो नहीं है ना भाई जे इज अ सन ऑफ जी ये बड़ा लंबा परिवार है सर हाउ मेनी मेल मेंबर आर दिया तो मैंने यहाँ पर जो जो टूल्स यूज किए हैं कहीं आप ट्राइंगल देख रहे होंगे कहीं सर्कल देख रहे होंगे वो इसलिए क्योंकि मैं सर्कल मेल और फीमेल को ट्राइंगल मान के चल रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर कितने पुरुष हैं एक दो तीन चार चार पुरुष हैं ये क्वेश्चन जल्दी कब बन पाएगा जब आप इस परिवार को अच्छे से समझ पाएंगे और समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है फैमिली ट्री जब आप इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सर सब कुछ आसान हो जाता है एक होता है ना कि जैसे एक कोई ये लड़का है ठीक है अभी क्या हो गया कि एक होते हैं ये घर वाले होते हैं टीचर होते हैं है ना ये जब ज्ञान की बात बोलते हैं तो ये इनको 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 इस तरीके से यहाँ से बाउंस होकर के इधर इधर उधर चली जाती है जो कोई ज्ञान की बात बताई जाती है आपको लेकिन जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड की बकवास बातें होती हैं वो सीधा हिट करती है आपके दिमाग को। क्यों भाई इस तरीके का एक मीम मैंने देखा था आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब घर वाले आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे तो वो घूम 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 करके बाहर से ऊपर से चली जाएगी अभी एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर ये मेरी रेंज से बाहर है तो ये यही होता है अभी कोई फ्रेंड होगा आपका जो बकवास सी कोई सजेशन देगा वो एकदम सीधे तुम्हारे दिमाग में जाएगी बैठ जाएगी तो ऐसे दोस्तों को नमन है लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और लाइक ना करना तुम लोग इतनी तुम लोगों को जो है बोल बोल के हम थक गए भाई मुझे मुर्गा खाने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं ये तुम्हारा एफर्ट जो है वो बेकार जाएगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं अब वेजिटेरियन में मैं एगिटेरियन बोल सकते हो अंडा खा लेता हूँ मैं तो लेकिन मुर्गा उर्गा नहीं खाते बेटा पी इज द नेफ्यू ऑफ क्यू पी जो है वो नेफ्यू है क्यू का वो आपको किस इक्वेशन में मिलेगा ये एक परिवार है सर सर ये परिवार कैसा परिवार है सर ये अब भैया है तो है ये आपको कोडेड फॉर्मेट में बताया गया है कि डिवाइड का मतलब क्या है ये ऊपर देख लीजिए डिवाइड का मतलब सन है माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है सिस्टर मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर दिया हुआ है ये सब बातें समझ लीजिए और बताइए कि किस इक्वेशन में जब आप इसको डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू का भतीजा है अभी वैसे भी बरसात का सीजन है मत खाओ यार मुर्गा उर्गा मत खाओ, अगर कोई खाता भी है तो देखो भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या बताया गया था ब्रदर बताया गया था सर इसका मतलब सर ब्रदर है ठीक है और डिवाइड का मतलब क्या है सर डिवाइड का मतलब क्या है सर सन माइनस का मतलब क्या है सर माइनस का मतलब क्या है सर सिस्टर सिस्टर आपको बताना है कि कौन सा वो क्वेश्चन है जिसमें क्या हो जिसमें जिसमें पी नेफ्यू हो अच्छा नेफ्यू होने का मतलब है कि पी क्या होगा मेल होगा कि फीमेल होगा भतीजा होता है नेफ्यू का मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा मेल होना चाहिए अब पी को मेल होने के लिए पी के बाद या तो मल्टीप्लाई का सिंबल हो या तो डिवाइड का हो P के बाद माइनस नहीं होना चाहिए तो हालांकि पी के बाद हमें कहीं पर माइनस नहीं दिखाई दे रहा है अब पी और क्यू में जैसे पी नेफ्यू है क्यूं का तो हमें डायरेक्टली पी और क्यू का रिलेशन नहीं चाहिए हमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए कि एक जनरेशन का गैप हो सर सर एक जनरेशन का गैप हमको चाहिए ही चाहिए क्योंकि चाचा और भतीजा अगर है या मामा भतीजा जो भी है भांजा होता है वैसे मामा के साथ तो लेकिन एक जनरेशन का गैप हमें चाहिए ही चाहिए अच्छा पी नेफ्यू है तो पी को नीचे वाली जनरेशन में होना चाहिए क्यों ऊपर वाली जनरेशन में होना चाहिए तो अभी क्या करेंगे सर हम जैसे ऑप्शन नंबर फोर को देखिए अगर मेरी नजर जा रही है इस ऑप्शन में तो क्यों जा रही है डिवाइड का का मतलब क्या है 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 सन सन यानी कि पी जो है, वो सन है. किसका आर ठीक माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है आर माइनस क्यू माइनस का मतलब सिस्टर यानी कि आर जो है वो सिस्टर है सर किसकी क्यों की तो पी क्या नेफ्यू है क्यों का तो यस सर पी जो है वो क्यों की बहन का बेटा है हालांकि ये भांजा हो रहा है लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू दिया है तो हम इससे काम चला सकते हैं आइए देखें जी सर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर रेलवे की क्लास की टाइमिंग बता दें रोज दोपहर में बारह बजे रोज सुबह दुबह या दोपहर ही बोल लो रोज दोपहर में बारह बजे तुम्हारी क्लास होती है बेटा रोज दोपहर में बारह बजे ठीक है अगला क्वेश्चन है पांच शब्द आपको दिए गए हैं सर बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे शब्द हैं इनसे आप एक सीक्वेंस बनाइए डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप इन पांच शब्दों को अरेंज करेंगे तो सर ये क्या सीक्वेंस देंगे इन पांच शब्दों को जरा अरेंज करिए और बताइए सर ये क्या सीक्वेंस देंगे वन अब देखिए सर सभी पाँच से शुरू हो रहा है तो पांच वाला तो आप कैंसिल ही कर दो है ना अब वन थ्री फोर में देखो सर तो सर हमें कैसे जाना है डिक्शनरी ऑर्डर में जाना है बढ़ते हुए ऑर्डर में जाना है तो एम के बाद ओ या ई e, तो सर ई e आना चाहिए एम के बाद है ना ओ तो बाद में आएगा यानी वन या थ्री होना चाहिए ये तो आप कैंसिल ही कर देंगे अब इसमें भी देखिए एम ई e के बाद एन और उसके बाद एम ई एन के बाद टी ओ आर ये बाद में आएगा वन पहले आएगा ये भी हटा दीजिए अब थ्री और फोर में देख लेंगे तो थ्री पहले आएगा सर ये भी हटा दीजिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है चार ऑप्शन हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार समान है चार में से तीन किसी प्रकार समान है एक अलग है बताओ अगर किसी को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो रिफ्रेश कर लेगा बेटा अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश कर लीजिए सर यहां पर अल्टरनेट लेटर देखो ना मुझे एक सीक्वेंस दे रहे हैं। कैसे बीस माइनस दो अठारह प्लस हो रहा है सर आठ माइनस दो सर ये वाला अलग लग रहा है सर हमें ऑल्टरनेट लेटर देखो फर्स्ट का थर्ड से छब्बीस चौबीस बीस अट्ठारह आठ छः लेकिन यहां क्या है छ आठ ये गड़बड़ है सर ये गड़बड़ है सर यहां पर माइनस हो रहा है बाकी जगह सॉरी यहां प्लस हो रहा है बाकी जगह माइनस हो रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा दिक्कत देता है दिक्कत क्या देता है थोड़ा टाइम लेता है अच्छा ये बताइए कि कौन से दो साइन आप आपस में इंटरचेंज करेंगे जिससे इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन से दो साइन ऐसे हैं जिनको आप आपस में इंटरचेंज करोगे कौन से दो साइन ऐसे हैं जिनको आप आपस में इंटरचेंज करोगे और उसके बाद इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी बताओ डी चलिए बच्चे कह रहे हैं सर डी होगा अब देखो एक बात यहां पर समझ में आ जाती है कि सर सर ये ये जो डिवाइड वाला साइन है ये सर यहां पर नहीं होना चाहिए थ्री माइनस फोर बाई फाइव और अगल बगल मल्टीप्लाई भी नहीं है तो सर ये तो कटेगा ही नहीं ये ना कटेगा सर डिवाइड फोर बाई फाइव कहां से कटेगा सर ये नहीं कटेगा डिवाइड को हटाना ही चाहिए अब डिवाइड को ही हटाएंगे यहाँ से तो डिवाइड के हिसाब से ये ऑप्शन कैंसिल कर दो ये ऑप्शन कैंसिल कर दो डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ बदला जाए या डिवाइड को प्लस के साथ बदला जाए डिवाइड इधर कर दोगे प्लस इधर आ जाएगा तो भी पाँच बटे छः रहेगा पाँच बटे पाँच बटे छः वो भी नहीं कटेगा सर तो ये भी कैंसिल हो गया तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर फोर होगा और आपको भी लग रहा है मतलब ऑप्शन नंबर फोर होगा कि सर डिवाइड को इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई को इधर कर दीजिए ये लीजिए सर हो गया खेल खत्म फोर हमारा करेक्ट आंसर है सर यहाँ पर जी ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर है सत्रह से इकतीस बनाइए इकतीस से पचपन बनाइए पचपन से नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री से वन फोर्टी नाइन और वन फोर्टी नाइन के बाद क्या नंबर आएगा देखिए सत्रह से इकतीस धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है इकतीस से पचपन पचपन से नाइन थ्री अभी नाइन थ्री से वन फोर्टी का गैप ज्यादा है लेकिन यह गैप बढ़ता हुआ है शुरुआत से धीरे 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 बढ़ रहा है तो अगर आप मल्टीप्लाई करने का सोचोगे तो सत्रह का दो गुना चौतीस चौतीस माइनस आपने मान लीजिए तीन कर दिया लेकिन इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा गैप हो जाएगा ठीक है तो सत्रह से इकतीस तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करोगे सत्रह से इकतीस तक पहुंचने के लिए सत्रह और तीन बीस और ग्यारह है ना तो तीन और एक चार चौदह का गैप है सर अच्छा फिर उसके बाद पाँच में से एक जाएगा चार और पाँच में से तीन जाएगा तो दो चौबीस का गैप है फिर अच्छा अच्छा यहाँ पर आओ तेरह में से मान लीजिए नाइन्टी थ्री है ना तो तेरह में से पाँच माइनस करिए तेरह में से पाँच माइनस कर दीजिए आठ आ जाएगा है ना तेरह में से पाँच माइनस करेंगे आठ आ जाएगा छः में से पाँच माइनस करेंगे तो छः कहाँ सर आठ है ना तेरह में से पाँच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आठ बचेगा आठ में से पाँच माइनस करेंगे तीन आ जाएगा अड़तीस आ गया सर ये क्या लग रहा है कुछ लग रहा है क्या कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है चलो एक और देख लेते हैं तो नौ में से तीन जाएगा तो सर यहाँ पर छः हो जाएगा और चौदह में से नौ चला जाएगा तो सर कितना आ जाएगा hmm. ये क्या लॉजिक हुआ डबल डिफरेंस देखना पड़ेगा सर यहाँ पर तो डबल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर दस का डिफरेंस है यहाँ पर देख लीजिए तो, तो सर कितने का डिफरेंस है यहाँ पर सर चौदह का डिफरेंस है ना तो सर ये क्या लग रहा है अभी आप यह आपको यहाँ पर सर अट्ठारह का डिफरेंस है क्या आठ आठ सोलह तीन चार हाँ डबल डिफरेंस है सर दस चौदह अट्ठारह तो सर अगला कितना होना चाहिए तो दस चार चौदह चार अट्ठारह और चार बाईस तो सर बाईस का अगला डिफरेंस होना चाहिए और बाईस के लिए छः दो आठ और पाँच छः सात अठहत्तर सर हमें प्लस करना होगा सर हमें आखिरी में अठहत्तर प्लस करना होगा आंसर क्या दे रहे हो टू टू सेवन टू टू सेवन जी सर अठहत्तर हमें प्लस करना था किसमें वन फोर्टी नाइन में, में अठहत्तर प्लस करिए अठ सोलह और एक सत्रह सात चार ग्यारह और एक ही बारह और ये हो गया टू टू सेवन टू टू सेवन मिलेगा सर ऑप्शन नंबर टू में पांच कैंडिडेट हैं जे के एल एम एन सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ वेटिंग इन द वेटिंग टू बी इंटरव्यूड बाई द एच आर मैनेजर ठीक है JK, LMN, uh, north, the, uh, manager, तो पांच कैंडिडेट्स हैं हमारे पास एक दो तीन चार पांच ये पांच कैंडिडेट्स हैं हमारे पास ठीक है चलिए देखते हैं कैसे बनाना होगा मैंने पांच लोगों की पोजीशन यहाँ पर बना दी है नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए सबसे पहले कह रहा है कि एन एन इज टू लेफ्ट ऑफ़ के तो वो तो सर कहीं पे भी हो सकता है एन इज टू द लेफ्ट ऑफ़ के एन हमारा के के लेफ्ट में वो तो कहीं पे भी हो सकता है क्या करें कोई बात नहीं अलग से लिख लिया आगे पढ़िए एल इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ़ के एंड जे एल इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ़ के और जे एल हमारा के और जे दोनों का पड़ोसी है फिर उसके बाद इफ जे इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ये डेटा अच्छा है एक दो तीन चार ये बन गया देखो इफ जे इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट तो सुनो जे मिल गया जे के पहले एल और के लिख सकते हो आगे तो लिख नहीं सकते हो। पीछे लिखना पड़ेगा एल और उसके बाद के आ जाएगा फिर K के के तुरंत पहले एन है तो यहां पर एन आ जाएगा बचेगा कौन एम M यहां पर आएगा तो बताइए हु इज हाउ फार इज एन फ्रॉम राइट तो राइट right से एन की पोजीशन कितनी है तो एक दो तीन चार पांच पांचवें नंबर पर फिफ्थ फ्रॉम द राइट फिफ्थ फ्रॉम द राइट फिफ्थ फ्रॉम द राइट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है सीरीज एल ट्वेंटी फोर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो सर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए सर छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह एन आना चाहिए एन य डा दो या दो छः दो नहीं बारह छः छः बारह बारह छः अट्ठारह अट्ठारह छः चौबीस चौबीस छः तीस एन के बाद थर्टी आना चाहिए ये भी कैंसिल कर दो सर एन के बाद थर्टी ऑप्शन नंबर थ्री में है एन के बाद थर्टी ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है 67 छात्रों की एक कक्षा में टीना शीर्ष से बारहवें स्थान पर और उसका मित्र ऋषभ नीचे से छब्बीसवें स्थान पर है टीना और ऋषभ के बीच कितने छात्र हैं बताइए दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे देखिए सर दोनों की रैंक है एक की छब्बीस है दूसरे की बारह है दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है अड़तीस आता है ना बहुत दूर है सर सिक्सटी सेवन से तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ही नहीं तो सर छब्बीस और बारह दोनों को आपने ऐड किया तो अड़तीस आया और टोटल हमारे पास सर सिक्सटी सेवन है जिसमें से थर्टी एट आप माइनस कर देंगे तो सर कितना आ जाएगा बोलो यार ये माइनस वाइनस जो है बड़ा दुखदाई होता है हमारे लिए माइनस ठीक है तो सत्रह में से आठ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा नौ ही आएगा ना भाई हाँ तो सत्रह में से आठ चला जाएगा नौ आ जाएगा यहाँ बचेगा कितना पाँच पाँच में से तीन चला जाएगा तो दो अब इसमें और कुछ तो माइनस प्लस नहीं करना ना नहीं करना सर ठीक है आंसर ऑप्शन नंबर फोर में है अगर ओवरलैपिंग होता तो क्या होता तब कुछ और करना पड़ता ये क्या हो गया फिर से आ गया सिटिंग अरेंजमेंट क्या करोगे छोड़ दोगे नहीं सर बनाएंगे बनाओगे बनाओ पांच लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है सर बना लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है पांच लोग हैं टी इज सिटिंग टू राइट ऑफ एन एन इज टू द राइट ऑफ वाई छोड़ दीजिए इस लाइन को क्यों क्योंकि ये यहां पर बैठाने लायक अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा है Q is sitting second position from the right end? क्यों इज सिटिंग सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड इसको पकड़ लीजिए क्यों क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा दे रहा है आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये एग्जैक्ट पोजीशन दे रहा है क्यों जो है वो सेकंड पोजीशन है राइट right एंड से तो सर बना दिया आपने फिर बाकी का क्या करें बाकी देखो क्या कह रहा है टी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन टी एन के राइट में है सही बात है सर एन वाई के राइट एन वाई के राइट में है तो टी एन के राइट में है एन वाई के, तो के, के राइट में है ये तीन आप कहा लिख सकते हो हालांकि इमीडिएट लिखना चाहिए इनको यहां पर इनको लिखना चाहिए वरना कन्फर्म नहीं बनेगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं हम अगर इसको इमीडिएट मान के बनाएंगे तो वाई एन टी बचा कौन क्यों क्यों तो हो गया पी बचा पी यहां पर लिख दिया अब पूछ रहा हुई, right तो सर, के right में कौन आएगा टी के सेकंड राइट right में पी बाबूजी हैं कौन है पी है ऑप्शन नंबर थ्री चले आगे एस प्लस टी का मतलब s फादर है t का मल्टीप्लाई t का मतलब ब्रदर है माइनस का मतलब मदर है तो सर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब या माइनस का मतलब क्या क्या है ये आपको बताया गया है और आपसे पूछ रहा है कि r माइनस पी मल्टी आर माइनस पी प्लस क्यू का मतलब क्या है r माइनस पी प्लस क्यू का मतलब क्या है बताइए r माइनस पी प्लस क्यू का मतलब क्या है माइनस का मतलब देखो ना यहाँ पर दिया हुआ है मदर है यानी कि आर जो है वो माता है किसकी पी की और पी प्लस प्लस का मतलब फादर है तो पी पिता है किसके क्यों के ये है सर परिवार अच्छा अब इसमें ये बताइए कि क्या निश्चित रूप से सत्य है क्या पी सन है आर का क्या पी सन है आर का हाँ सी सर बिल्कुल सही बात है निश्चित रूप से सही है क्यों फादर है पी का सर एक तो एक तो एक तो एक तो क्यों नीचे है पी से दूसरा इसका जेंडर भी नहीं पता है तो ये दोनों तो आप कैंसिल ही कर दीजिए आर मदर है क्योंकि ये तो सर अलग ही है आंसर ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है। यस yes. और क्या है और ये रहा हाँ बिल्कुल अंजू सैनी हम तुम्हारे लिए बनाए हैं एग्जाम में भी हम तुम्हारी जगह चले जाएंगे ठीक है एग्जाम में भी हम तुम्हारी जगह चले जाएंगे यही करो तुम पागल चलिए इक्वेशन सॉल्व कीजिए क्या करना है एक्स के स्थान पर क्या आएगा ये जो एक्स है इसके स्थान पर क्या लाना है और हाँ साइन चेंज कर लीजिएगा पहले थ्री के बाद मल्टीप्लाई लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है वहां पर देखो मल्टीप्लाई मतलब माइनस दिया हुआ है यानी कि थ्री है फिर माइनस का सत्ताईस लिखिए फिर उसके बाद प्लस दिया हुआ है प्लस का मतलब क्या है प्लस का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड क्या क्या डिवाइड एक्स एक्स चलो ठीक है डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख करके फोर लिखिए फिर माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिख करके थ्री लिख दीजिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए नौ आएगा पक्का बिल्कुल नौ बहुत बढ़िया नाइन करेक्ट आंसर ये है मिसिंग नंबर और के की वैल्यू आप बताएंगे और जैसा कि मैंने कहा आप बताएंगे क्योंकि आप ही को बताना है इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे दें और बिल्कुल आंसर चाहिए मतलब चाहिए ये नहीं कि सर ने यहाँ पर छोड़ दिया और आपने सोचा कि चलो छोड़ो सर ने आंसर नहीं बताया है तो हमको भी सॉल्व नहीं करना है ये काम मत करना ठीक है सभी लोग सॉल्व करके बताना इसका आंसर और एक और बात जाते जाते फिर से बता दें एग्ज़ाम में जितना भी टाइम आपके पास बचा है सारी चीज़ें छोड़ो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो एक्यूरेसी और स्पीड पे ज़्यादा काम करो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है मॉक टेस्ट अगर तुम्हारे पास कहीं है कहीं का मॉक टेस्ट है तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है आराम से उसी को लगाओ लेकिन अगर नहीं है और हाँ अगर है भी तो वैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसा नहीं कि तुम पता नहीं किस लेवल की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम में कुछ और ही आ रहा है अगर नहीं है तुम लोगों के पास कुछ तो ये रहा तुम्हारे पास ईयरली टेक्स बुक पास साल भर का सब्सक्रिप्शन है साल भर का सब्सक्रिप्शन थ्री सेवेंटी फोर रुपीज में है ए एस आर पी ए डबल एस ये कूपन कोड है यहाँ पर अप्लाई करोगे अगर पास को परचेस करते समय तो डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है कहाँ है लिंक ये भी दिखा देते हैं आपको यूट्यूब ओपन करना है आपको यूट्यूब ओपन हो जाएगा ये हमारी क्लास चल रही है इस पे हमने क्लिक कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे करिएगा लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये पहला लिंक यहाँ पर है उस पर आप क्लिक करोगे पेज ओपन हो जाएगा ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है सब ठीक है आप पास परचेस कर सकते हो महीने भर के लिए अगर आपको चाहिए ये महंगा पड़ेगा आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ठीक है तो ईयरली कम से कम या तो साल भर का पास लो या फिर लाइफ टाइम पास लो अमाउंट जो भी दिख रहा है इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन पे क्लिक करना होगा स्क्रीन पे आपके छोटा दिख रहा होगा आप वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा या लिंक पे जा करके चेक करिएगा ए एस आर पी ए डबल एस ए एस आर पी ए डबल एस और ये देखो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है ठीक है पास परचेज करो और रोज एक दो मॉक टेस्ट डेली लगाओ इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा ये भी हम बता दें ठीक है इसी से तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे बाकी आप समझदार हैं चलिए तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं आप सभी लोगों से बहुत मजा आया आप सभी लोगों के साथ कब समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है लेकिन समय बीत तो रहा है है ना पता नहीं चल रहा है वो बात ठीक है लेकिन बीत तो रहा है ना समय एग्ज़ाम करीब आ रहा है और एज भी निकल रही है सिलेक्शन लीजिए जल्दी से ठीक है कल मुलाकात करेंगे दोपहर में बारह बजे और रात में आठ बजे इसी चैनल पर जुड़े रहिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए थैंक यू सो मच गुड नाइट सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा थैंक यू